कोरोना वॉरियर्स के नाम पर भले ही सफाई कर्मियों को उत्साहित करने के कुछ नज़ारे सुर्खियों में आते हो, लेकिन हकीकत खरगोन के जिला अस्पताल में देखने को मिल रही, जहां कोविड वार्ड सहित अस्पताल में बिना पीपीई किट के ड्यूटी दे रहे सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन तो दूर, राशन के भी लाले पड़ रहे हैं। 2 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे घर परिवार संचालन में मुसीबत उठाना पड़ रही। वेतन की मांग को लेकर 50 से अधिक सफाई कर्मियों ने जिला अस्पताल के गेट पर काम बंद कर हड़ताल का आगाज कर दिया। जिम्मेदार केवल आश्वासन देकर दूर हो गए, वहीं सफाई ठेकेदार भी मौके से नदारद हो गए। ऐसे में सफाई कर्मियों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि अस्पताल से सफाई ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मियों को 2 माह से वेतन नहीं दिया गया है। वहीं पिछले कई वर्षों से आर्थिक दोहन कर रहे हैं, वेतन कम देते हैं, वही नियमानुसार पीएफ भी नहीं भर रहे हैं। कोविड वार्ड के बिना पीई किट के ड्यूटी कर जान जोखिम में डाल रहे हैं, बावजूद तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। परिवार पालन पोषण कैसे करें, काम बंद किया है, जल्द वेतन नहीं मिला तो हड़ताल निरंतर रखेंगे। कर्मियों से स्पष्ट कहा गया है कि सफाई न होने पर खामियाजा परिवारों को भुगतना पड़ेगा, जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन होगा। खरगोन ब्यूरो से फरीद शेख की रिपोर्ट। वो लोग बाहर खड़े हॉस्पिटल के काम नहीं कर रहे, जिला चिकित्सालय के कर्मचारी हैं सर। 2 महीने से हमारी पेमेंट नहीं डली है, सैलरी डल रही सर। हम जान जोखिम में डाल के हम काम कर रहे हैं कोविड वार्ड में सर, आ रहे हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं हमको, हम फिर भी आ रहे हैं, लेकिन सर हमारी 2 महीने से पेमेंट नहीं डली है सर। घर में कुछ खाने का नहीं है, आने जाने का नहीं है, फिर भी हम जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं सर। किराए भाड़े से रहते हैं सर, फिर भी हमारी पेमेंट नहीं डलती। इसकी शिकायत आपने वरिष्ठ अधिकारी को की क्या? सर शिकायत हमने लिखित के द्वारा भी करी थी सर, लेटर भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ऑफिस में भी गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितना समय हो गया है सैलरी को? सर करीबन 2 महीने हो गए। आप लोग ये बाहर आके खड़े हो गए, काम नहीं कर रहे सर? काम करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन हमको ये तनख्वाह नहीं दे रहे टाइम से। आज इस दौर से जा रहे हैं कि ऐसा सारा सामान हमको नकद खरीदना पड़ रहा है, और 2 महीने से मजदूरों के पास पैसा नहीं है तो सामान कैसा खरीदी करें, बिल्कुल किल्लत है। ये हॉस्पिटल को हम कई बार बता चुके हैं कि सर हमारी तनख्वाह 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में की जाए, मगर 7 साल से हमको 10 से 15 तारीख के बीच में ही कर रहे हैं, और आज 16 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई पेमेंट का ठिकाना नहीं है। तो अब आगे क्या करेंगे आप? अभी काम करेंगे कि नहीं? आगे तो हम बाबूजी से भी बात करी है, तो ये बता रहे कि पेमेंट डाल चुका है, मगर खाते में नहीं आ रहा है तुम्हारे, और हमको ये बात पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमको 10 तारीख से बता रहे हैं ऐसा कि तुम्हारा पेमेंट हो चुका है। किस कंपनी का ठेका है इसको? ये रतन इम्पोरियम धार कंपनी का ठेका है। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार का नाम? ठेकेदार का नाम तो अरोड़ा जी करके है, लेकिन सुपरवाइजर अभी यहाँ पर रविंद्र सिंह चौहान देख रहे हैं। तो उनसे बात की आपने, रविंद्र सिंह चौहान से? हाँ, उनसे भी बात की, तो क्या कहना है? समय समय पर वहाँ ऊपर भिजवा देते हैं ऑफिस में, बोले बात करो बाबूजी से, बात करो तनख्वाह के बारे में। सुपरवाइजर से भी आने हमको कोई वो नहीं मिला आश्वासन पक्का। तो आप काम करेंगे कि नहीं? अभी आप काम करेंगे, हमारी शर्त तो पूरी हो जाए तो काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको काम करना तो है, हम तो कर ही रहे भी यार, 2 महीने से काम कर रहे हैं लगातार, जोखिम में जान को डाल के काम कर रहे हैं, फिर भी उसका हमको मुआवजा नहीं मिल रहा। और हमारी एक मांग और है कि इतने साल से हम काम कर रहे हैं, 7 साल से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, इस बीच में हमारे पीएफ अकाउंट अभी तक जनरेट नहीं किया गया इन्होंने, तो हमको पीएफ अकाउंट भी चाहिए। क्या नाम आपका? साजिद खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।